सब्सक्राइब कीजिए एक्यू टेक हिंदी चैनल को और दबाइए इस बेल बटन को टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों वैलोरेंट पीसी में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन करना है, उसके बाद आपको गूगल के सर्च में टाइप करना है वैलोरेंट। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं वैलोरेंट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको जो यहां पर ये जो फर्स्ट वाली लिंक है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, playvalorant.com, इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं वैलोरेंट का पेज जो है ओपन हो गया है। आपको जो है यहां पर प्ले फ्री के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आपको जो है यहां पर अगर आपके पास ऑलरेडी रियोट अकाउंट है तो आपको जो है यहां पर साइन इन के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आपके पास रियोट अकाउंट नहीं है तो आपको जो है यहां पर मेक वन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं यहां पर मेक वन के ऊपर क्लिक कर लेता हूं। उसके बाद दोस्तों, आपको जो है यहां पर ईमेल टाइप कर देना है। दोस्तों, आपको ईमेल टाइप करने के बाद यहां पर नेक्स्ट बटन के ऊपर आपको जो है क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जो है यहां पर डे मंथ ईयर आपको जो है ऐड कर देना है। फिर आपको जो है नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं चूज़ ए यूज़र नेम, तो आपको जो है यहां पर यूज़र नेम टाइप कर देना है। फिर आपको जो है यहां पर नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों, आपको जो है यूज़र नेम में स्पेस नहीं देना है, अगर आप स्पेस प्रेस करेंगे तो आपको जो है यहां पर नेक्स्ट का ऑप्शन जो है नहीं आएगा। उसके बाद दोस्तों, आपको जो है यहां पर पासवर्ड टाइप कर देना है। पासवर्ड टाइप करने के बाद दोस्तों, आपको जो है नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आपको जो है यहां पर डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं डाउनलोडिंग जो है स्टार्ट हो गई है। उसके बाद दोस्तों, आपको जो है यहां पर इंस्टॉल वैलोरेंट के ऊपर डबल क्लिक कर आपको जो है वैलोरेंट को जो है इंस्टॉल कर देना है। तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं 15.3 GB यहां पर शो हो रहा है, तो मैं इसको जो है यहां पर इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर लेता हूं। तो इंस्टॉल होने तक आप जो है थोड़ा सा वेट कीजिए। उसके बाद दोस्तों, आपको जो है यहां पर यूज़र नेम टाइप कर पासवर्ड टाइप कर देना है। फिर आपको जो है यहां पर नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं टर्म ऑफ सर्विस, आप जो है इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपको जो है स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको जो है यहां पर एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आपको जो है यहां पर अपडेट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं वेरीफाई हो रहा है, तो उसके बाद डाउनलोडिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों, डाउनलोडिंग कंप्लीट होने तक आप थोड़ा सा वेट कीजिए। उसके बाद दोस्तों, आपको जो है यहां पर प्ले के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं सेलेक्ट डिस्प्ले नेम, तो आपको जो है यहां पर इंटर रियोट आईडी के ऊपर क्लिक कर नेम जो है टाइप कर देना है। फिर उसके बाद आपको जो है यहां पर कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, गेम जो है लोडिंग हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा वेट कर देना है। उसके बाद आपको जो है इस तरीके से इंटरफेस आएगा, वार्निंग रीड बिफोर प्लेइंग, तो आप यहां पर इसको पढ़ सकते हैं। मैं यहां पर आई अंडरस्टैंड के ऊपर क्लिक कर लेता हूं। उसके बाद यहां पर फिर से लोडिंग स्टार्ट हो गई है, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए लोडिंग कंप्लीट होने तक, उसके बाद गेम जो है स्टार्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो गेम प्ले जो है लोड हो चुका है। उसके बाद यहां पर देख सकते हैं बेसिक मूवमेंट, तो किस तरीके से गेम प्ले कर सकते हैं कंप्लीट होने तक थोड़ा सा वेट कीजिए।
तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बेसिक मूवमेंट जो है कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आप थोड़ा सा वेट कीजिए, गेम जो है रेडी हो जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं गेम रेडी हो गया है। तो दोस्तों आप यहाँ पर प्ले के ऊपर क्लिक कर कर गेम जो है प्ले कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं होम बटन्स है और यहाँ पर बैटल पास है। उसके बाद यहाँ पर एजेंट्स है, तो आप जो है यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर कर जो है एजेंट जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर जो है बैटल पास के ऊपर क्लिक कर कर भी जो है आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कैरियर है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नो मैच टू डिस्प्ले। अगर आप यहाँ पर जो भी मैच प्ले करते हैं तो आपको जो है यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर कलेक्शन के ऊपर क्लिक कर कर देख सकते हैं। फिर आप जो है स्टोर के ऊपर क्लिक कर भी जो है चेक कर सकते हैं। दोस्तों आप वैलोरेंट में सेटिंग भी जो है चेंज कर सकते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं राइट साइड में आपको टॉप पर सेटिंग का आइकन दिख रहा है, तो आप जो है उसके ऊपर क्लिक कर यहां पर फिर से सेटिंग के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं जर्नल टैब में जो है यहां पर बहुत सारी सेटिंग्स है, तो आप यहां पर इजीली इसको जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो है यहां पर कंट्रोल टैब्स भी देखने को मिलता है, तो आप यहां पर से इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो है यहां पर क्रॉस हेयर का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। वीडियो के ऊपर क्लिक कर आप जर्नल सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं और ग्राफिक क्वालिटी भी जो है आप यहां पर से इजीली चेंज कर सकते हैं। आप यहां पर हाई क्वालिटी भी जो है सेट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप यहां पर ऑडियो के ऊपर क्लिक कर वॉल्यूम भी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से वैलोरेंट इंस्टॉल कर सकते हैं पीसी में। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें भी न मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।